दुनिया के सातवें अजूबे में से एक अजूबा है पेट्रा, जो कि है जॉर्डन में। उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं आज, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। जितनी भी होटल होती है वो सब होती है वादी मूसा में, और वादी मूसा से पेट्रा 2 किलोमीटर का रास्ता है। हमारे पास गाड़ी थी तो हमने गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया और हम एंटर होने वाले हैं पेट्रा में। अहलन बिकुम फिल पेट्रा। Would you like to have a guided tour also? Here we have an English speaking guide. No, thank you for now. You're straight to the left the gate. Left the gate. Thank you. अगर आपके पास जॉर्डन पास हो तो टिकट नंबर 1 पे आ जाए, अगर जॉर्डन पास नहीं है तो टिकट नंबर ऑफिस नंबर 2 और 3 पर आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश, कोरियन, रशियन, जर्मन, चाइना, फ्रेंच, स्पेनिश, जापान। जॉर्डन पास दिखाने के बाद में आपको ये टिकट मिलेगी और ये टूर गाइड। पेट्रा दीरोजी हॉल सेंटर 7 बजे से पहले यहाँ पर समर के टाइम पर और विंटर के टाइम पर 5 बजे निकल जाना चाहिए। यहाँ पर ये टिकट चेकिंग। सलाम अलैकुम। हाँ ना Come, we'll do it to you. Come. Where from? Panama. Panama. Welcome to Petra. Thank you. पेट्रा की एक दिन की एंट्री फीस है 50 GD यानी कि $70। लेकिन अगर आप जॉर्डन पास लेते हो जिसकी फीस है 70 GD यानी कि $100, तो उसके अंदर आपका वीज़ा फीस भी इंक्लूड होता है और पेट्रा भी इंक्लूड होता है, वादी अरम और बहुत सारे अट्रैक्शन इंक्लूड होते हैं। जो गाइड पेपर दिया गया था उसके अंदर टोटल कुल 15 स्टॉप है, और जो सबसे पहला स्टॉप है यहाँ से वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हाउ मच फॉर दिस? भाव बताए बगैर चला गया। तो पेट्रा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है चट्टान, और ये पूरा एरिया चट्टानों से भरा हुआ है, इस वजह से इसे पेट्रा कहा जाता है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि इसे ईसा अलैहिस्सलाम के 800 साल पहले आबाद किया गया था, और यहाँ के रहने वालों को नबेतिन कहा जाता था, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी कई सालों तक ये शहर आबाद था। उसके बाद एक बड़े जलजले ने इस शहर को लोगों की नज़र से ओझल कर दिया। बाद में 1812 में इसे फिर से खोजा गया। फिर 2007 में इसे दुनिया के अजूबे में से एक अजूबा करा दिया गया। बस इंतज़ार ख़त्म हुआ, 2 किलोमीटर चल के हम यहाँ पहुँचे हैं। ये है आपके सामने 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द हिडन ट्रेजर पेट्रा। How many person in the common work? 5. ये लड़का ऊंट पे बिठा के फोटो निकालने के 5 GD मांग रहा है। वैद्या Instagram shorts. See? Mm-hmm. Excuse me, how about after coming to the view? Yes, I was. How much? How many one? I think तुम ऊपर चढ़ोगी? कहाँ? Nice picture. This way. You see people to the top. It's hard. No, easy. Easy. How much? Only V2. How many one? Just 2. No boy, go up. No, children. No. I make 15 for 2. 15 for 2. Yeah. Normal price 10, but I make a boy camel. Mm-hmm. I discount. इसके बाद में ये दूसरे लड़के हैं जो यहाँ से हमें ऊपर लेके जाएंगे। वहाँ से ऊपर से ये हिडन ट्रेजर का अच्छा शॉट आता है इंस्टाग्राम रील में, जो बहुत ही फेमस है, वहाँ का शॉट यहाँ पर आएगा। उसके लिए 8 GD मांग रहा है। और ये स्पॉट सबसे ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर आप लाइन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अभी हम लाइन में खड़े हैं, इसके बाद हमारा नंबर आएगा। ये हिडन ट्रेजर तो अभी पहला स्टॉप था, इसके बाद अभी 14 और स्टॉप है, यानी कि 5-6 किलोमीटर और अंदर का हिस्सा है। देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं।
पैतरा जो के सात अजूबे में से एक अजूबा है। अजीब और गरीब अल्लाह ताला की कुदरत यहाँ पर देखने मिलती है। और देखे इतने बड़े बड़े चट्टान को तराश के ऐसी ऐसी डिजाइन बनाई है। आप देखे यहाँ ये जो आपको चट्टानों में सुराख नजर आ रहे हैं, इसमें से कुछ तो उनके घर थे और कुछ उनकी कब्रें। अभी अंदर चल के देखते हैं। आप देख सकते हैं ये सामने ये पूरा एरिया चट्टानों से भरा हुआ है और ये सामने जितने भी पहाड़ है, हर पहाड़ के अंदर कुछ ना कुछ तराश के बनाया गया है। पहाड़ चढ़ना इतना मुश्किल है तो इन लोग ने ये कैसे बनाया होगा। ये क्या अंदर जाए नहीं जाए। आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस इतना छोटा है लेकिन अंदर से काफी बड़ा है, मतलब कि अंदर के पूरे पत्थरों को इन्होंने छोटे से एंट्रेंस से निकाला है। ये अंदर का हिस्सा है, पता नहीं अंदर क्या करते थे। और अंदर भी आप दीवार पे देख सकते हैं जैसे कैबिन बनाई गई है। التصوير انا معي على المنديل مايك تير اي واز دوينج ا قطري ستايل قطر يا قطر عربي سعودي ستايل اس فيديو فيديو ستايل وات يو هاف فون لوك ات كاميرا يو سي فون فون لوك كاميرا فون لوك ات كاميرا تشان تشان شيختين شيختين بسمك بسمك اسمي ايهم لا يسي احمد اسمي احمد لا مش هيك مش هيك حب اشترك ما معك انت टूर गाइड में जो 15 स्टॉप दिए थे उसमें से 3 से 4 अलग थे, बाकी तो सब सेम थे। तो हमने 2 से 3 स्टॉप देखे, इसके बाद हम रिटर्न होने वाले हैं क्योंकि यहाँ से वापस चल के जाना है। अगर आपको पैतरा आना है तो चलने की तैयारी करनी है क्योंकि 2 किलोमीटर पे तो खाली एंट्री होती है, उसके बाद में फिर और अंदर चलना है। रिटर्न भी आपको चल के जाना है। ये छोटी गाड़ी आती है जो कि 15 JD लेती है एक जन का। तो ये था मुख्तसर ब्लॉग पैतरा के बारे में। होप आपको अच्छा लगा होगा।